फुल चटनी वटनी का पुट दे के अच्छे से मिक्स करने का भाई। क्या मिक्स करे बिना क्या फिर मज़ा नहीं आएगा, पूरा टेस्ट आना चाहिए मिर्चू के साथ मीठेपन का। हाँ, मुँह में पानी आ रहा है ना भाई अब तुम्हारे, वीडियो देखने वाले को मुँह में पानी आ रहा होगा भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह वीडियो को दोस्तों, अबे सबर रख ले बाबा क्या करे रहा नहीं जाता है। बेहतरीन समोसे हैं भाई, बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह। वीनस है या जुपिटर है अल्लाह बेहतर जानता है भाई। अब गैलेक्सी S22 या S23 अल्ट्रा होता अपने पास तो पूरी क्लीन इमेज आपको मिलती। ये हम तीन जने हैं आज, शमीम, शाबाज और मैं, हमारा ऑटो वाला भाई। देखियो भाई इधर देखियो, अरे चलो सामने देखो, साथ तो आप सामने देखो आराम से, ये हम जा रहे हैं हम तीन जने, देखो थोड़ा बहुत। بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تمام ویورز کو امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہیں اب ہم نکلے ہیں عید کے بعد کی کشتی پہ جہاں گشت ہمارا جو چینل ہے اس کی کشتی ہم نے شروع کری ہے آج تھوڑا بار فارم ہاؤس کی سائڈ جانا ہے وہاں پر آپ کو نظارہ کراتے ہیں بکرا منڈی کی سائڈ کا عید کل الحمدللہ گھر پہ ہی بنائی باہر نہیں نکلے تھے کہیں گھومنے پھرنے تو ہم نے کچھ پلان کیا ہم دو تین چار لوگوں نے کہ آج تھوڑا باہر گھوم چلیں گے اور وہاں پہ آپ کو نظارہ دکھائیں گے ایسے ہی گھومتے پھرتے ہوئے ٹریول بلاگ ہمارا آج کا ویڈیو رہے گا تو ان شاء اللہ یہاں سے کچھ سموسے لیتے ہیں یہاں کے سموسے ہمارے اجمیر کے بہت فیمس ہیں گول چکر کے سموسے ناٹ گول پیاؤ اٹس گول چکر کیسر گنج हमारे शमीम भाई को हमने गोल चक्कर से मारे थे समोसे को चरी थे गोल प्याव से लेके आ गया था हमारे पास ही बैठा हुआ। आज दोस्तों हमने भी शाबाज भाई हमारे जो है पहले यूट्यूबर उनको भेजा है समोसे। भीड़ भाड़ तो है माशाल्लाह बहुत, कुछ स्नैक खाएंगे हम लोग क्योंकि भूख बहुत लग रही है, दिन में खाना आज खा नहीं पाए। शाबाज भाई लेके आ रहे हैं केसरगंज के हमारे फेमस समोसे, आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं हम रास्ते का कैसा हमारा रास्ता रहेगा वहाँ पहुँचने का। तो वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, हमारी गश्ती भी आप देखो। रमज़ान शरीफ में अलहमदिल्ला घर में थे एक महीना, रोजे रखे, जो ड्यूटी हुई गरीब नवाज की बारगाह में लंगर की हमको मिली वो भी बखूबी निभाई उन्होंने हमको। जब थोड़ा बाहर घूम गया तो सरकार का नाम लेके गरीब से कदम से निकले, थोड़ा बाहर घूम करके आते हैं आपको नज़ारे कराते हैं इंजॉय करके, मिलते हैं वीडियो में आपसे कुछ देर में। लेकिन शाबाज भाई आया नहीं आया तो हमारा शाबाज भाई ने हमारे समोसे ले लिए हैं माशाल्लाह, आज अब समोसे खाएंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। चलिए चलते हैं आगे का नज़ारा आपको कराते हैं, वीडियो को देखते रहो आगे, लाइक करो शेयर करो। अभी हम केसरगंज में हैं, अब गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ब्यावर रोड होते हैं हम लोग निकलेंगे उस तरफ। ये अभी हम पहुंच गए हैं रामगंज, अजमेर का रामगंज एरिया है वहां पर हैं हम लोग। सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है, देखो आप लोग सनसेट हो रहा है धीरे धीरे तारागढ़ पहाड़ी के पीछे में, बहुत खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों ये हम पहुंच जाए जो चुंगी इलाका कहलाता है तारागढ़ पहाड़, जो मजार शरीफ हज़रत मीरा से हुसैन रहमतुल्लाह है आपका वहाँ का रास्ता था वो। फिर हम रोड पे चल रहे हैं, थोड़ा और वक्त लगेगा। ये हम तीन जने हैं आज, शमीम, शाबाज और मैं, हमारा ऑटो वाला भाई। देखियो भाई इधर देखियो, अरे चलो सामने देखो, साथ तो
हाँ दोस्तों, ये हम दोराई के तरफ पहुंच गए। एरिया कहलाता है दोराई रूट एरी। यहाँ पर भी हमारे अजमेर जो स्मार्ट सिटी बन रहा है उसके तहत काम चल रहा है, ब्रिज का फ्लाईओवर का काम। यहाँ पर मेरे एक्चुअल में रेलवे क्रॉसिंग है। पहले रेलवे फाटक था, लेकिन फाटक को बंद करके पूरा ब्रिज बना दिया है। हमारे चल रहा स्मार्ट सिटी में हमारा अजमेर आ रहा है, धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। हमारे चल हाँ तो दोस्तों, अभी हम बकरा मंडी का जो मोड़ आता है वहाँ पर कुछ देर में पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह। रोड तो माशाल्लाह अच्छा बन गया है अगर स्मार्ट सिटी के तरीके से। मैंने बताया काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। रोड पहले तो बहुत अच्छा बन गया, पूरा नया कंस्ट्रक्शन है रोड के। यहाँ का जो मेरा सबसे पहला ब्लॉग बना ये सूफी साहब की दरगाह है। यहाँ का सबसे पहला मेरा दरगाह शरीफ का ज़ियारत का ब्लॉग बना था, वो वीडियो भी आप देखना और बताना मुझको कि उस वीडियो में कैसा मैंने परफॉर्म किया। और अब जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें कैसा परफॉर्म करता हूँ, बातचीत करने में बोलने का तरीका कैसा, आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह बताना मेरे को। कुछ कमी पेशी होगी तो इंशाल्लाह पूरी करेंगे। ये एरिया है बकरा मंडी अजमेर का। एक्चुअल में जो बकरा मंडी है वो ये है, बकरों की खरीद फरोख्त यहाँ पर होती है। जो पीछे गया एरिया ये बकरा मंडी कहलाता है, और इसके आसपास का एतराफ़ का जो एरिया है ये बकरा मंडी के नाम से पहचाना जाता है। इसमें एकता नगर है, एक कई गांव भी है सोमलपुर गांव की तरफ। अभी इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। ये इधर का आपको मैं दिखाऊंगा जो मैंने आपको बताया दरगाह सूफी साहब सूफी शाहबाज साहब के नाम से जो दरबार है यहाँ पर, उनके नाम से माशाल्लाह स्कूल भी है। बोर्ड देखो आप, सूफी शाहबाज स्कूल। मेरा सबसे पहला दरगाह शरीफ का ब्लॉग यहाँ का है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ मैं दोबारा से ब्लॉग यहाँ का वापस बनाऊँगा बेहतरीन, अच्छे से, अच्छा, बहुत जल्द। कमेंट करके बताना आपको, मेरे को कमेंट सेक्शन में कहीं बताना आप कि आपको यहाँ का ब्लॉग चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे चलना बनाऊँगा और जल्दी चाहिए तो सब फटाफट कमेंट करके बताओ। बहुत जल्दी चलना जाएगा ये माशाल्लाह जामिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदरसा भी है। अल्लाह बरकत दे। सीधे चलना भाई बहनों, यहाँ पर मैं जो दुकान है छोटा मोटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गाँव के अंदर में सब जरूरत की चीज़ें मिलती हैं, सब्जी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक है, दूध दही, खाने पीने का सामान, रोड पर जो रहता है इंसान वो अंदर ही आना है। यहाँ पर राइट ले लो भाई, हमारे शमीम भाई देखो कितना खुश हो रहा है। देखो शमीम इधर ही हमारा फार्म हाउस है इंशाल्लाह। आपको अगला सीन दिखाएंगे छत के ऊपर से फार्म हाउस, तो देखते रहो वीडियो को, लाइक करो, शेयर करो। यही कहीं हमारा फार्म हाउस है।
हाँ तो दोस्तों देखो पीछे का नज़ारा माशाल्लाह, सनसेट का वक्त है, मगरिब का वक्त है। ये आलम मान अल्लाह, मौला का आलम, मौला अब्बास के नाम का आलम रखता है माशाल्लाह। पूरा पहाड़ी अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी रेंज कहलाती है अरावली रेंज। और सामने में है तारागढ़ पहाड़ी, और अभी हम हमारे फार्म हाउस की छत के ऊपर में है मौजूद, और हमने हमारा कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ध्यान से खोलियो भाई, कड़ी वड़ी आराम से। चटनी अलग लाया ना भाई? हाँ, चटनी अलग नहीं करने का। हाँ माशाल्लाह, ईद मुबारक की पार्टी हमारी छोटी मोटी। क्या गाने वाने बजा रहा भाई हमारा शमीम भाई? बहुत अच्छी हवा चल रही है। ये टाइम पे मेरे को यहाँ पहुँचना था, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया इस वक्त, ताकि एम्बियंस की रिलैक्सेशन की आराम बहुत उम्दा। हाँ समोसा फोड़ दो भाई, एकदम पिचक करके आवाज आनी चाहिए, पिचक करके फूट के कड़ी डालो। हाँ डालो, हम जब तक बोल रहे हैं डालो डालो। बाबा शाहबाद भाई क्या कर रहे हो आप? डालो ना यार, हम बोल रहे हैं ना यार। देखो पहले अपने में डाल ला शाहबाद भाई। अबे यार शाहबाद भाई हमारे भी डालो यार। बहुत है बाबा, बहुत है बहुत है। हमारी चटनी दो, चटनी का पुट लगाओ उसको, सब में चटनी का थोड़ा थोड़ा पुट दो, फिर आएगा मजा खाने का इंशाल्लाह। भाई किसी का रोजा हो तो मैं माफी चाहूंगा, वीडियो देख रहा हो तो कोई, क्योंकि कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखते हैं। हमारे समोसे खंडेलवाल के केसरगंज के। चम्मच चम्मच कहाँ है भाई, निकालो। चम्मच नहीं लाए तुम? अबे भाई चम्मच नहीं लाए? चलो भाई चम्मच का नीचे इंतजाम करके लाते हैं किचन में, जाओ नीचे से लेके आओ। ये समोसे की पार्टी। शाबाश। हाँ। किचन में से लेके आओ शाबाश भाई। किचन देखा है ना आपने? बस देख लो भाई, कहीं होंगे कहीं ना कहीं चम्मच रखे हुए, दिख जाएंगे तीन चार। देखते रहो वीडियो को दोस्तों। अबे सबर रख ले बाबा, क्या करे रहा नहीं जाता है। बेहतरीन समोसे हैं भाई, बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह। देखे स्टूडियो में चलते की आवाज आ रही है, चम्मच लेके आ रहा है भाई। क्या बाबा मिला चम्मच? हाँ ठीक है। वाह 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 क्या सीन है माशाल्लाह, अब भी देखो चांद भी नजर आ रहा है माशाल्लाह। तो शव्वाल का चांद देख लो भाई, सुभान अल्लाह। अभी चम्मच आ गया है तो अभी खिलाई पिलाई शुरू करते हैं। फुल चटनी वटनी का पुट दे के अच्छे से मिक्स करने का भाई, क्या मिक्स करे बिना क्या फिर मज़ा नहीं आएगा, पूरा टेस्ट आना चाहिए मिर्चों के साथ मीठे बन का। हाँ हाँ हाँ, मुँह में पानी आ रहा है ना भाई अब तुम्हारे, वीडियो देखने वाले को मुँह में पानी आ रहा होगा भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छे से मिक्स करने का, क्या तब आएगा मज़ा। ला भाई ला, बिस्मिल्लाह करो भाई। क्या कह रहा है भाई? बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है भाई। पहले समोसे लड़ाई कर लूँ मैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखते रहो वीडियो को, लाइक करो शेयर करो।
हाँ, मजा आ गया भाई, समोसा खा के दिल समोसा समोसा हो गया हम सबका, पसीना आ गया, देखो पसीने छूट गए। हाँ माशाल्लाह, मौसम बहुत क्लासिक ही मौसम हो रहा है, क्लासिक। बकरा मंडी ब्लॉक, तारा गाड़ा, शमीम एंड शहबाज। शहबाज भाई भी लड़ाई कर रहा है अपने समोसे से। झाल बोते है बाबा, झाल ऐसे बहुत तीखा है, झाल ऐसे की तीखा है, बहुत तीखा है भाई। हाँ तो दोस्तों, अभी मगरिब का वक्त हो रहा है, मगरिब की अजान भी हो गई, हम भी नमाज़ें तक करेंगे इंशाल्लाह कुछ देर में। उम्मीद करता है हमारा ये ट्रैवल ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। हमारे शहबाज भाई कैसा लगा यहाँ के, अच्छा फील कर रहे हो? बहुत ही सुकून है यहाँ, अगर कोई सुकून चाहता है तो यहाँ आ जाए। बेशक माशाल्लाह, वो सुकून मिलता है यहाँ पर। ये पूरा 360 डिग्री आपको घुमा के दिखा दिया माशाल्लाह। चांद और ये कोई प्लेनेट है जो उसके अलाइन हुआ हुआ है, वीनस है या जुपिटर है, अल्लाह बेहतर जानता है भाई। अब गैलेक्सी S22 या S23 अल्ट्रा होता अपने पास तो पूरी क्लीन इमेज आपको मिलती। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा हमारा आपको, ये वाला एक ट्रैवल ब्लॉग। अभी अंधेरा हो जाएगा तो वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम होगी, तो अब अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द करेंगे मुलाकात। देखिए कहाँ हमारी कश्ती हमको लेके जाती है, कहाँ घूमते हम नेक्स्ट टाइम, किस बारगाह में आपको हाजिरी कराएंगे। चलो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, यमान अल्लाह, दुआ हो यार।